गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है बाबू बाजार, खिदिरपुर बाबू बाजार ट्राम डिपो के पास। और यहां पर अभी एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले सड़क दुर्घटना में रास्ता क्रॉस करते वक्त एक 40 या 45 वर्ष के व्यक्ति की मौत हो गई है। पहचान अभी तक नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि वो आइडेंटिफिकेशन के लिए और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजी है और आइडेंटिफिकेशन होने के बाद आप तक ये खबर पहुंचाएगी। आइए, जो भी यहाँ पर जो घटना जो हुई है इसके बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं। और ये देख सकते हैं, ये जो है बाबू बाजार ट्राम डिपो, और यहीं पर देख सकते हैं ये जो पानी जो गिरा हुआ है, यहाँ पर अभी ब्लड था। ये देखिए, ये इकबाल खिदिरपुर ट्राम डिपो के पास ये रास्ता हुआ और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं ये जो है, देखिए ये यहाँ पर अभी भी कुछ जो है ब्लड जो है वो गिरी हुई है। यहाँ पर एक व्यक्ति, कहा जा रहा है कि उनका जो सर के ऊपर से ट्रक चली गई है उछल कर, और इस दर्दनाक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे क्या हुआ था, क्या कहेंगे बताइए। देखिए, यहाँ पे हम लोग वो साइड से आ ही रहे थे, पुलिस वाले लोग यहाँ पे जो दुकान खोला है, आप लोगों को पता है ये लॉकडाउन का समय, अभी लॉकडाउन चल रहा है 10 बजे के बाद, तो देखकर तो लग रहा था कुछ वर्कर टाइप के कुछ लोग थे, वो लगभग उनका उम्र 40 से 50 देख के लग रहा था। उनका खाकी कलर का पैंट था और वाइट टी शर्ट था, सर में उनका गाड़ी चढ़ गया तो कुछ फेस पता नहीं चल रहा अभी तक, समझ में नहीं आ रहा है कि लोकल है कि बाहरी है। देखकर तो उनका वस्त्र देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मानिए कोई वर्कर हो, तो वो खलासी भी हो सकता है या कोई रास्ता वो क्रॉस कर रहा था। हम लोग वो साइड में थे तो यहाँ से वो आदमी शायद क्रॉस कर रहा था, तभी उनका एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। जी हाँ, जी हाँ। अब बॉडी को ले गया गया है वहाँ पर? जी हाँ, बॉडी तो प्रशासन जैसे ही हम लोग वो लोग बंद करा रहे थे, वो लोग आए, बॉडी को उठाए, बॉडी को उठा कर ले कर गए, और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी को प्रशासन ने, पुलिस ने एक नंबर थाना साउथकोट पुलिस स्टेशन में जाकर वो गाड़ी को जमा किया गया है। जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस वगैरह, पुलिस की पूरी टीम मौजूद है, और यही वो जगह है जहाँ पर ये सड़क दुर्घटना हुई है। आप देख सकते हैं कि जो खून की जो कुछ जो छींटे हैं, ब्लड स्टेन, तमाम चीज़ें यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है अभी भी, यहाँ पर जो है पानी मारने के बाद। और यहाँ पर जो है जो सर का जो है ये मगज, एक तरह से जो कहा जा रहा है मगज वगैरह निकल गया, मगज निकल गया था, गाड़ी इस तरफ से चढ़ा था, पूरा चपटा हो गया, चेहरा समझ में नहीं आ रहा, चेहरा समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही मतलब कहा जाए कि एक दर्दनाक दुर्घटना यहाँ पर इस वक्त हुआ है। कितने बजे के करीब हुआ था, थोड़ा बता सकते हैं, कुछ आइडिया है कितने बजे? अभी से अभी टाइम क्या हो रहा है, एक मिनट बता दे, 20 मिनट हो रहा है, 20 मिनट यानी 10:30 है, 10:30 बजे के करीब हुआ है यहाँ पे ये घटना। जी हाँ, वो 10 से 10:30 के बीच में ये रास्ता, चूंकि पोर्ट का इलाका है तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है रात। आप देख रहे हैं ठीक पीछे में ये यहाँ बाउसा ट्राम डिपो है, और ये सामने में एके इंटरनेशनल, और सामने मेयर हेल्थ क्लिनिक यहाँ पे बन रहा है, ठीक मोड़ में यहाँ पे हुआ है, ये मोड़ के पास हुआ है। जी हाँ, बहुत ही दर्दनाक घटना। तो अभी तक जो व्यक्ति जिसकी जान चली गई है उसकी कोई अभी तक खबर नहीं, अभी तक पता नहीं चला कि कौन है। उनका पहचान पत्र देखकर प्रशासन देखेंगे, बॉडी लेकर गए हैं हॉस्पिटल में, तो उनका तो स्पॉट डेट हो चुका है, तो देखकर पता लगाएंगे। प्रशासन अपना काम कर रही है, जैसा होगा जिसका बॉडी उनको घर वालों को बता दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करके जो पता चला है कि 10 से 10:30 बजे के करीब ये घटना हुई है, और 10 से 10:30 बजे के करीब ये जो घटना हुई है इसमें एक जो है 40 से 50 वर्षीय बुजुर्ग की जो व्यक्ति है उसकी मौत हो गई। कहा जा रहा है, जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि रोड क्रॉस करते वक्त ये ऐसा दुर्घटना हुआ और ट्रक के कुचले जाने के वजह से उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। डेड बॉडी को अस्पताल भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए। जो भी तमाम डिटेल्स यहाँ से जो जानकारी आई मिलेगी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेगी द लोकल जर्नलिस्ट। फिलहाल हमें दे इजाज़त और देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, कोलकाता के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
आपको बता दूं कि देखिए ये जो है यहाँ पर पोर्ट की जोन है और काफ़ी जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ 10 बजे के बाद यहाँ पर चलती है। ये देखिए पुलिस की पूरी टीम है घटने पर, तमाम पुलिस प्रशासन जो है इस वक्त काम कर रही है और जो है रास्ते को साफ कराने की कोशिश कर रही है। फिलहाल हमें दे इजाज़त और देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारी कोशिश रहती है आप तक सही खबर पहुंचाएं, जो भी अपडेट्स रहती हैं खासतर इलाके की वो पहुंचाने की कोशिश करती है द लोकल जर्नलिस्ट।